नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। रेलवे स्टेशन गेट पर दर्जन भर दबंगों ने जमकर तांडव मचाया है। मारपीट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का है, जहाँ देर शाम को मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वायरल वीडियो की पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दर्जन भर दबंगों ने आपसी कहासुनी में बाल काट दिया और एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। और इस वीडियो का जो बताया जा रहा है कि वायरल होने लगी है, और इस पिटाई का वीडियो किसी ने अपने कैमरे में भी कैद कर लिया, जिसके बाद से ही ये वीडियो वायरल हो रही है। रायबरेली भदोगर थाना क्षेत्र के ही गोसवापुर गांव में 13 फरवरी को 12 वर्षीय बालक की गला काटकर हत्या करने का खुलासा कर दिया है पुलिस ने। आपको बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया है कि बहन ने ही प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि मृतक की बहन उमा का जफरापुर के ही अनुज सिंह से प्रेम प्रसंग चल रहा था, और घटना के एक दिन पहले मृतक प्रांशु ने ही दोनों को मिलते हुए देख लिया था, जिससे बात उजागर होने के डर से उमा ने ही प्रेमी के साथ मिलकर भाई के कत्ल की प्लानिंग कर डाली। और 13 फरवरी की रात को ही मौका मिलते ही दोनों ने घर पर सोते समय प्रांशु को मौत के घाट उतार दिया। और जांच के दौरान पुलिस ने ही अभियुक्तों के पास से आला कत्ल कुल्हाड़ी और छुरा भी बरामद कर लिया है। आपको बताते चले कि इस मामले में पीड़ित परिवार ने ही रंजिश में हत्या का अंदेशा जाहिर करते हुए अज्ञात के मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल में बहन ही भाई की कातिल निकली और पुलिस ने दोनों अभियुक्तों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और घटना की रात, जिस रात न तो उसकी माँ घर पे थी न उसने फैल लेते थे, वो लड़की ने फ़ोन करके अपने दोस्त को बुलाया। बुलाने के बाद वो ट्यूबवेल से बुला गई, वहाँ उन्होंने प्लान किया और लौट के उसमें जा करके दोनों ने मिल करके उस बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से और हत्या करने के बाद फ़ोन पे उन्होंने इस तरह से मार किया कि लड़के के साथ उसका एक दोस्त भी था, उसको स्पीकर फोन पर ये बात उन्होंने सुनाई। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। ललितपुर पुलिस के हत्थे जांच बता दें आपको की जा रही थी, इसको लेकर 5 अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गढ़ पकड़े गए हैं। बता दें आपको कि वहीं उनके पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। आपको बताते चले कि 5 फरवरी में ही सदर कोतवाली अंतर्गत एक मैरिज गार्डन में मोटरसाइकिल चोर ने ही एक पैसन मोटरसाइकिल चोरी की थी, और जिसका मुकदमा 13 फरवरी को शिकायतकर्ता की तहरीर पर किया गया था। वही अब अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, जिसके बाद पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। उस गार्डन में से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और उस पर हमारी थाना कोतवाली की टीम ने कार्य किया है। उसमें से 5 चोर आज बरामद हुए हैं। यह एक अंतर्राज्यीय गैंग है। MP और UP में ये कई चोरियां कर चुके हैं। 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। हमारे यहाँ से 2 मोटरसाइकिल जो इन्होंने चोरी की थी वो बरामद हो चुकी है। ये 5 लोग हैं, इनका नाम है राहुल साहू, अंकित साहू, अजय अहिरवार, मुख्तार राइन और राजीव अहिरवार। इनके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास MP से संपर्क करके चेक कराया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई जा रही है। कहाँ के हैं सर ये लोग? ये लोग यही कुछ यहाँ के हैं, कानपुर ललितपुर के रहने वाले हैं, कुछ बानपुर के रहने वाले हैं, तो ललितपुर के लगे हैं। DM झांसी रविंद्र कुमार द्वारा ही CMO झांसी के साथ जिला चिकित्सालय झांसी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, और वहीं जिला चिकित्सालय के आकस्मिक भ्रमण के दौरान ही उन्होंने OPD, एक्सरे और कक्ष मेल, सर्जिकल वार्ड और पाकशाला आदि का निरीक्षण किया गया। वहीं मरीजों और उनके तीमारदारों के से ही एक्सरे और अन्य जांच होने, दवाएं मिलने और सर्जिकल वार्ड में ही मरीजों से खाना मिलने आदि के संबंध में जानकारी ली गई है। जानकारी प्राप्त करने पर ही स्थिति संतोषजनक पाई गई है।
चले रुकते अगली खबर की ओर। जिला झांसी के ही तहसील मोठ में मौजूद ग्राम जर्रिया खुर्द के ही लगभग डेढ़ दर्जन ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी मोठ को ही एक ज्ञापन देते हुए सरकारी राशन विक्रेता के खिलाफ राशन नहीं बांटने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि कभी मशीन खराब होने का बहाना बना लेते हैं तो कभी अंगूठा लगवा लेते हैं और कहते हैं कि राशन कल ले जाना, और जब दूसरे दिन राशन लेने जाओ तो बहाना बना देते हैं और राशन नहीं देते हैं, जिसके चलते गांव में राशन का वितरण नहीं हो पा रहा है। और पहले ग्रामीण ने ही आपूर्ति अधिकारी से शिकायत की है, जिसमें आपूर्ति अधिकारी ने मशीन सही कराने का आश्वासन दिया है, और तो वहीं ग्रामीणों द्वारा एसडीएम से शिकायत करते हुए सरकारी राशन विक्रेता बदलने और राशन दिलाए जाने की मांग की गई है। ना कुछ है, हमेशा कह देती हैं कि राशन खत्म हो गया, कहीं मशीन खराब हो गई, इस प्रकार से बहाने बना के हमको राशन नहीं प्राप्त हो रहा है। कौन कह देता है? कोठेदार। तो आज क्या हुआ? आज कह दिया कि मशीन खराब हो गई, अब लास्ट तारीख 15 है तो साहब हमको राशन नहीं प्राप्त होगा। तो कितने लोग हैं ऐसे जिनको राशन नहीं मिला था? अभी 20 आदमी है, पूरा गाँव है, कुछ गाँव में है, किसी को राशन नहीं मिला। जरा खुद का किसी को राशन नहीं मिला है। मुंजौत में बांटा जाता है। कानपुर में हुई घटना के विरोध में हरदोई में कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया है और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा है, और इस दौरान ही नेताओं ने कानपुर प्रकरण में ही नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई है। पार्टी नेतृत्व के निर्देशन पर हरदोई में ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशीष सिंह के नेतृत्व में ही कांग्रेस पदाधिकारियों ने क्लेटरेट में प्रदर्शन किया है और कानपुर की घटना को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा है, और ज्ञापन में न्यायिक जांच की मांग के साथ साथ नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग की गई है, और कहा गया है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए गांव के लोगों को चिन्हित किया जाए जो गरीब बेसहारा है, जरूरतमंदों को उनकी जमीन का पट्टा किया जाए। और जिला अध्यक्ष ने कहा है कि सत्ता के दुलारे लाडलों ने जो हजारों बीघा जमीन कब्जा कर रखी है वहां पर बुलडोजर नहीं चल रहा है और गरीबों के घर चल रहे हैं, और रसूखदारों के द्वारा किए गए अवैध कब्जों के सामने से बुलडोजर गुजरता हुआ चला जाता है और गरीबों के झोपड़े गिरा देता है, और कहा कि इस तानाशाही बुलडोजर के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि सरकार ऐसे रसूखदार के ऊपर भी कार्रवाई करे और गरीबों के प्रति सरकार भी सोचे। हम सभी कांग्रेसजनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो कानपुर की दुखद घटना हुई है, दूरा थाना क्षेत्र में जो चहल गांव आता है उसमें जो माँ बेटी जो जिंदा प्रशासन सामने जल गई और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, तो उनके न्याय की मांग की लोग हमें प्रदर्शन किया है, जिन लोगों को नामजद किया गया उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए जो गरीब और असहाय लोग हैं गाँव देहात में रहते हैं उनको चिन्हित करके उस जमीन पर रह रहे हैं, अगर वो वास्तव में भूमिहीन है, जरूरतमंद है, तो तत्काल उनको चिन्हित करके उनको उसका पट्टा या उसके आवंटन को सुनिश्चित किया जाए। आप देख रहे हो कि जहाँ सत्ताधीश और सत्ता के संरक्षण में जो लाड़ले दुलारे लोग हैं, हजारों हजार बीघा जमीन तालाब की पट्टे की चरागाह की कब्जा किए पड़े हैं, ये जो बुलडोजर की तानाशाही उन तक नहीं जाती, उनके बगल से निकल जाती है और गरीब की झोपड़ी गिरा देती है। तो बुलडोजर की तानाशाही के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। ये तानाशाही तब दिखनी चाहिए जो रसूखदार लोग कब्जा किए हैं उनकी तरफ तानाशाही क्यों नहीं देखती, ये तानाशाही गरीब की झोपड़ी ही क्यों गिराती है, उसको जिंदा जलाने पर ही क्यों विवश कर देती है। तो ऐसा ना हो भविष्य में, इसलिए गरीबों के ऊपर सरकार सोचे। कासगंज में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जिला कारागार में पहुंचे और कासगंज शहर में अब्बास अंसारी के काफिले ने प्रवेश किया। आधा दर्जन वाहनों के ही काफिले के बीच में अब्बास अंसारी को लाया गया था। बता दें आपको कासगंज से खबर है जहां पर अब्बास अंसारी कासगंज जिला पहुंचे, और ये भी बता दें आपको कि कारागार पहुंचे, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी काशगंज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बता दें आपको कि जुम्मन कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुम्मन, पूरा मामला क्या है, अब्बास अंसारी के बेटे काशगंज पहुंचे? जी, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जो कि
मऊ सदर से विधायक है जो कि चित्रकूट की जेल में एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बंद थे, जिन्हें चित्रकूट की जेल से कासगंज की जेल स्थानांतरित किया गया और जिनको लगभग 20 महीनों से सुरक्षा व्यवस्था में उनको कासगंज के जिला कारागार लाया गया है और उन्हें कासगंज की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है और उनके सीसीटीवी कैमरों से भी विशेष निगरानी की जाएगी। जी जुम्मन कुरैशी, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कितनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे थे। जी आपको बता दूं, जब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कासगंज की जिला कारागार लाया गया था तो उस समय बहुत काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच लगभग 20 वाहनों में लगभग पुलिस के और जिसमें एडिशनल SP और CO तमाम अधिकारी और पुलिस बल के साथ उनको लगभग 20 वाहनों के करीब थे जब इनको लाया गया था कासगंज के जिला कारागार में, और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उन्हें कासगंज के जिला कारागार में शिफ्ट किया गया और हाई सिक्योरिटी बैरक में उनको रखा गया। जी जुम्मन कुरैशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो कासगंज से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अब्बास अंसारी कासगंज जिला कारागार पहुंचे और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के साथ ही वो कासगंज पहुंचे हैं। मथुरा से खबर है, जहां कुछ महीने पहले मृतक महिला गांव के ही एक युवक के साथ फरार हो गई थी और कुछ महीने बाद लौटी महिला ने पड़ोस के ही रहने वाले कुछ लोगों पर फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप भी लगाया था और इस मामले में थाना रिफाइनरी पुलिस ने भी नामजद लोगों के खिलाफ रेप की धारा को लेकर ही मुकदमा दर्ज किया था। और वही सूत्रों की माने तो इस बात को लेकर पति पत्नी में अनबन चल रही थी। मंगलवार को भी पति गंगा सिंह और पत्नी सोनिया सिंह के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पत्नी ने ही डायल 112 पर कॉल कर दिया और पुलिस गाँव पहुँच गई और महिला पुलिसकर्मियों से बातचीत रही थी और इसके बाद ही महिला अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस के साथ चलने को ही तैयार हुई तो पति ने ही घर में कपड़े रह जाने की बात कहकर उसको आवाज लगाई और पत्नी कपड़े लेने के लिए घर के अंदर घुसी और इसके अगले पल ही तमंचा लिए खड़े पति ने ही पत्नी के माथे पर गोली मार दी और गोली लगते ही पत्नी की घटनास्थल पर मौत हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस कुछ समझ पाती और उससे पहले ही आरोपी महिला का पति भाग निकला और पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या की खबर से विभाग में अब खलबली मच गई है। थाना रिफाइनरी के भाई गांव में आज सुबह एक पति जिसका नाम गंगा सिंह है अपनी पत्नी को गोली मार दी जिससे उसकी डेथ हो गई है। गंगा सिंह फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके डकैती के मुकदमे वांछित अपराधी नासिर निवासी बिसरू थाना पुनहाना जनपद नूह मेवात का रहने वाला है और शातिर बदमाश के कब्जे से ही एक तमंचा 315 बोर और दो जिंदा कारतूस और बरामद किए गए हैं। बता दें आपको कि छाता पुलिस को इस शातिर बदमाश की तलाश बहुत दिनों से थी और शातिर बदमाश की कुंडली अब खंगालने में पुलिस लग गई है। थाना छात्र द्वारा आज एक 25,000 का इनामी है जो कि डकैती के अभियोग में वांछित चल रहा था, बरसाना चौराहा से गिरफ्तार किया गया है। अभी तक कब्जे से एक तमंचा 315 बोर भी बरामद किया गया है और एक जिंदा कारतूस भी है। अभियुक्त काफी शातिर किस्म का अपराधी है, इसने छात्र से डकैती घटना कार्य की थी जिसमें एक ट्रेलर ट्राला को लूट लिया था। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके मान्य न्यायालय के समक्ष पेश कर अभियुक्त को कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर डकैती के मुकदमे वांछित अपराधी नासिर निवासी बिसरू थाना पुनहाना जनपद नूह मेवात का रहने वाला है। शातिर बदमाश के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और छाता पुलिस को इस शातिर बदमाश की तलाश जो थी बहुत दिनों से चल रही थी और शातिर बदमाश की कुंडली अब पुलिस खंगालने में जुट गई है।
अंतर जनपदीय साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 14,70,000 रुपए और 2 चार पहिया वाहन और 21 फोन और इसके साथ ही 24 बैंक खातों की किट और 21 एटीएम, एक कलर प्रिंटर, 2 लैपटॉप, तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में मुख्य अभियुक्त मोइनुद्दीन आया है और बता दें आपको कि एमबी वंडरटेक इंटरप्राइजेज के नाम से फर्जी कंपनी भी चलाता है। तो मेनपुरी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, 11 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिजायर कार है और एक i20 है, ये जो मोबाइल यूज करते थे 17 एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करने वाले इनके कब्जे से मिले हैं, 21 एटीएम कार्ड, ये एटीएम कार्ड से पैसा निकालते थे, 21 एटीएम कार्ड मिले हैं और बैंक खातों के जो किट हैं, जो 24 बैंक खाते हैं जिन पे ये पैसा विभिन्न लोगों से ट्रांसफर कराए थे वो मिले हैं, 2 लैपटॉप और उनके साथ एसेसरीज हैं और बैंक के 8 बैंक की चेकबुक इनसे मिले हैं और 11,70,000 रुपये नगद इनके पास से बरामद हुआ है जो इन्होंने ठगी किया था और 3 लाख रुपए इनके खातों में जो पड़े थे विभिन्न खातों में उनको फ्रीज कराया गया है। तो इस तरह से ये बहुत बड़े गैंग का खुलासा हुआ है और इसकी एक अच्छी खासी रिकवरी हुई है। तो हमारे जो साइबर सेल प्रभारी हैं रुपेश कुमार और जो हमारे इंस्पेक्टर कुरावली हैं विनोद कुमार, इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी से इस तरह के ये गैंग का पर्दाफाश किया है, इतनी बड़ी रिकवरी की है और इसको हम लोग 20,000 रुपए का इस पूरे गैंग का खुलासा करने वाली टीम को। और इसी खबर पर मेनपुरी से हमारे सहयोगी अरुण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, बताया जा रहा है कि 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये गिरोह कब से सक्रिय था? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मेनपुरी कुरावली पुलिस व साइबर सेल की टीम ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 11,70,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं तथा 3 लाख विभिन्न खातों से ट्रेस कराए तथा कई उपकरण के अलावा अवैध तमंचे भी बरामद। इन अपराधों की जांच की जा रही है। वहीं अंतर राज्य जनपदीय साइबर ठगों को ठग बताए जा रहे हैं, ये जिनके कब्जे से 14,70,000 रुपए, उसके बाद पुलिस गिरफ्त मुख्य अभियुक्त जो है वो मोइनुद्दीन है, एमबी वंडरटेक इंटरप्राइजेज नाम से चलाता था फर्जी कंपनी। जी अरुण, अगर बात की जाए पुलिस की कार्रवाई की, तो सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, किस तरीके से कार्रवाई की गई थी और पुलिस को इन आरोपियों की कब से तलाश थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसमें आसपास के जनपदों में भी काफी पुलिस की तलाश थी, क्योंकि ये 11 लोग गिरफ्तार, ये बहुत ही सक्रिय थे, जिसमें भोले वाले लोगों से मोबाइल टावर, प्रधानमंत्री योजना और BSNL सिम, KYC एवं अन्य प्रकार के प्रमोशन के नाम पर फर्जी कॉल करते थे लोगों को। 19,00,000 रुपए टावर के नाम पर फर्जीवाड़ी की शिकायत पर पुलिस ने की थी कार्रवाई। खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार की तरफ से 20,000 रुपए का इनाम भी दिया गया। जी अरुण, जिस तरह से पुलिस ने अब गिरफ्त में, जो पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी भी आया है मोइनुद्दीन बताया जा रहा है जिनका नाम, ये कब से फरार चल रहे थे और अब क्या कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, काफी दिनों से ये फरार चल रहे थे, जिसमें पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार साफ तौर पर कहना है कि जो ये थे, हालांकि इसमें मेंटली तो नहीं, आसपास के जिलों से लेके इनका बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था ठगी करने का, जिसमें कई मतलब फर्जी कॉल करके भोले वाले लोगों को योजना और BSNL के बारे में बता करके उनको ठगी करते थे। जी अरुण, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो मेनपुरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बता दें आपको कि साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 14,70,000 रुपए और 2 चार पहिया वाहन और 21 फोन और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि 24 बैंक खातों की किट और 21 एटीएम, एक कलर प्रिंटर, 2 लैपटॉप, तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में मुख्य अभियुक्त मोइनुद्दीन आया हुआ है और बता दें आपको कि एमबी वंडरटेक इंटरप्राइजेज कंपनी के नाम, जो ये कंपनी है वो फर्जी कंपनी चलाता था, ऐसा भी मामला ये सामने आया है मेनपुरी से।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।